पूरी मूवी अच्छी अच्छी है बिकॉज अच्छी है वो। आपने कहा वो मान ले रहे लोग राउंड एंड राउंड करते रहते हैं, दैट्स टिपिकल हैरिस पार्क फॉर यू। जयपुर स्वीट्स की जलेबी मंदी वहाँ से देखिए देखिए जा रहे हैं मोदी जी से मिलने के लिए। एक्चुअली हम लोगों को जो वो है ना अरीना का टिकट नहीं मिला जहाँ पे मोदी जी आए थे, वो बोल रहे हैं कि हैरिस पार्क का नाम चेंज करके लिटिल इंडिया कर रहे हैं। अनऑफिशियली अभी हुआ है और ऑफिशियली भी सून हो जाएगा, तो वहाँ पे भी हो सकता है मोदी जी आए। हम लोग वहीं जा रहे हैं, देखते मिल पाते कि नहीं बातचीत होती है कि नहीं हमारी। पार्क आने वाला आई थिंक ये काफी आज बिजी होगा, इतना ट्रैफिक मैंने कभी देखा नहीं है। सी जगह होगी आज ये, मोदी जगह को मैप पे ले आएंगे, वर्ल्ड मैप पे आ जाएगा हैरिस पार्क। जहाँ पे उनका प्रोग्राम मतलब शो है जा सकते थे, बहुत दूर नहीं है वो, 20 मिनट कार से लगते। आई की हम लोग को टिकट सब तक सोल्ड आउट हो चुके थे जैसे ही पता चला, काफी लोग आ रहे हैं और मोदी एक्सप्रेस करके बसेस का नाम रख के लोग आ रहे हैं मेलबर्न से, और काफी चार्टर प्लेन्स आए हैं वो उस प्रोग्राम के लिए, ब्रिस्बेन से, एडिलेड से, तो पर्थ से भी काफी सारे लोग, प्लेन से और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। शायद उन लोगों को पहले से ही पता था ये कोई एक इंडियन डायस्पोरा का ना यहाँ पे एसोसिएशन बना हुआ है, तो आई थिंक उन लोगों को पता था क्योंकि 600 लोग तो परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो डांसर्स वाले जितने भी यहाँ पे बहुत सारे इंडियन डांस स्कूल्स हैं तो उन लोगों को शायद ये सारी चीजें पहले से पता थी। 20,000 टिकट्स तो ऐसे ही बुक हो गए होंगे, तो यही एरिया है जो लोग मम्मी डैडी को भी लेकर आए थे यहाँ पे, और इसको अब लिटिल इंडिया बोलते हैं। दिस इज द मेन हैरिस पार्क, यहाँ पे सारी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। इन लगा लिए गेड़ी हैरिस पार्क की एक बारी, और अभी हम लोगों ने सोचा है क्योंकि यहाँ पर आई गए तो, और ऊपर से देखो हम लोग सब रेडी वेडी होके पूरे, विलन है तो अच्छे से एकदम मजाक करूँ। हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे कुछ चाय वाय पी लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इतने रेस्टोरेंट्स हैं इंडियन, तो चाय वाय पीना बनता है। ये है हैरिस पार्क का सबब, एक्चुअली एक सबब है और उसी में ना जो जैसे हर सबब का एक शॉपिंग एरिया होता है, तो जो यहाँ का शॉपिंग एरिया है ना वहाँ पे पूरे इंडियन ही रेस्टोरेंट्स है, इंडियन ही शॉपिंग शॉप्स है, वहाँ से शुरू होता है। ये देखिए इंडियन रियल एस्टेट, रियल एस्टेट वाले बहुत इंडियन दिखते हैं ना, सारे प्रॉपर्टी एजेंट्स इंडियन से मिले यहाँ। हाँ बहुत सारे, और एक मतलब बिल्डर्स भी ना वो बाटला वाटला वाले। मोदी जी एंड इंडियंस, मोदी जी एंड इंडियंस, हरा भरा। मेरे के लोगों में एक लाल कैरेट और लाल टमाटर है। हाँ हरा भरा यहाँ से शुरू जाते हैं। एक्चुअली इसकी स्टार्टिंग तो हैरिस पार्क की दूसरे साइड से, हम लोग बैक साइड में यहाँ पे कार पार्क किया, और ये देखो सामने पटेल ब्रदर्स सुपर मार्केट है, तो थोड़ा नाइट का आपको माहौल देखने के लिए मिल जाएगा हैरिस पार्क का। ये देखो इंडियन गाने बज रहे पुराने पुराने, ये देखो यहाँ पे इंडियन खाने मिल रहे हैं, पूरा थाली वाली इंडियन। ये है सब्जी की दुकान बार लेन, बहुत खुशबू आ रही है यहाँ पे खाने की। शॉप पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ रहती है, वो जयपुर स्वीट्स तरफ भी सारे ना इंडियन ही रेस्टोरेंट्स हैं। मैं कभी दिन में आऊँगी तो आपको प्रॉपरली खाऊंगी ये लिटिल इंडिया, और मैं तो अभी से इसको लिटिल इंडिया ही बोल रही हूँ। आज यहाँ पे ना फ्री मील मिल रही है, पर हम लोग तो हम जलेबी लेने आए हैं तो हम लोग तो नहीं लेंगे ये। अंदर कहाँ चले गए? ये देख लो क्या लिया? ले लिया, वो ऐसा कोई पकौड़ा था नहीं, वो तो लिखे नॉर्मल, मैंने बोला वो उसके ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, मुझे बताओ कौन सा चाहिए, तो मेरे को जो दिखा मैंने बोल दिया। थोड़ी ले लूंगा, ये रही जलेबी, ये रहा ये, थोड़ा सा खट्टी करो।
हमारा चाय पानी हो गया है और थोड़ा सा मेरा तो चाय मोदी जी यहाँ नहीं मिले हमने, पर मैं मोदी जी को वेलकम करना चाहूँगी सिडनी में। और हम लोगों को बहुत ही प्राइड होता है जब से वो हमारे लीडर बने हैं, वो इस तरीके से इंडिया के बारे में बात करते हैं, जैसे उन्होंने इंडिया को मतलब इतना ऊपर पहुंचाया है, तो हम लोगों को भी यहाँ पे रह के बहुत ही फख्र होता है। और हम लोग बोलते हैं सब लोगों को कि अगर कोई गुस्सा है हम लोग इंडिया से, वो लोग भी बोलते हैं वाओ व्हाट अ कंट्री। मतलब ये सारी चीजें आपकी वजह से हुई है, यस वंदे मातरम, बस यही बोलना चाहती हूँ। इन गलियों में आपको गेड़ियां मारते लोग नजर आ जाएंगे, जब भी गाने चलते रहेंगे, ये मैंने यहीं पे देखा है खाली, लोग राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड करते रहते हैं। दैट्स टिपिकल हैरिस पार्क फॉर यू, पूरा चंडीगढ़ वाला फील आ जाता है, जैसे चंडीगढ़ में नहीं गाड़ियां, और स्पेशली आपको जीप में लोग दिखेंगे लाउड म्यूजिक के साथ। अभी मतलब हम तो 6 बजे आए, सुन रहे हो क्या? देखो गया ये तो कार में ना, अभी गाड़ी वैसी वाली जीप यहाँ पे आएंगी और वो बस लगातार वो कुछ काम नहीं करेंगे, वो बस लाउड म्यूजिक के साथ घूमते रहेंगे, आप पूरा इंडिया वाला फील करा देते। सारे वही लोग हैं तो ये तो चलो फिर भी ऐसा है ना कि ये तो नॉर्मल कार गुजर रही होगी, यहाँ पे रहने वाले लोग भी ज्यादातर इंडियंस ही हैं, पर कुछ एक स्पेसिफिकली एक दो गाड़ियाँ होती हैं जीप जो अभी शुरू होंगी और वो 2-3 घंटे तक बस घूमती रहती हैं। और व्हाट इज दैट, आई डोंट नो व्हाई दे डू दैट। जब यहाँ पे रेड लाइट चलेगी ना, ये गूगल मैप्स या कोई तो इनके रेड लाइट चलेगी तो उनको पता चल जाएगा कि फुल हो गया है। यहाँ पे जो भी डस्टबिन होते हैं ना सिडनी मेलबर्न दोनों जगह मैंने देखा है, वो कलर चेंज हो जाता है, रेड हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको पिक करने आ जाएंगे। मोदी जी तो नहीं मिले, बाकी सारी चीजें मिल गई। अच्छा, इससे पहले क्या बोल रहे थे? उससे पहले मोदी जी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? मोदी जी ने जलेबी खाई सारी, फिर बना के बनाई। आपका स्वागत है मोदी जी। देखे देखे जहाँ पे इवेंट हो रहा था ना मोदी जी का, वहाँ पे बाहर भी स्क्रीन लगा रखी थी तो हम लोग जा सकते थे, बट वीकडेज है, अगर वीकेंड पे आप आते तो हम लोग यार लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। ऑब्वियसली ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट वही है ना कि पहले हमें पता भी नहीं था और विनय का ऑफिस था तो नहीं निकल पाए। वो देखो क्या लिखा है, देखो तो लाइव पाइनी पूरी देखने के लिए मिलेगी आपको। लाइव कॉन्सर्ट होता था आज तक, ये लाइव पानी पूरी पहली बार सुन रही हूं। लाइव बना के देंगे, लेकिन पानी पूरी तो लाइव ही बना के देनी पड़ती है। ये तो मतलब एक जो चीज है ना खाने की जो एकदम लाइव ही मिलती है वो पानी पूरी, उसके लिए भी उन लोगों ने एकदम मतलब वैसे मेंशन कर रखा है कि लाइव बनेगा यहाँ पे। क्या है बोलो? जा रही है घर। A little longer than a few minutes later. Why मोदी जी why? वो लिटिल इंडिया में आना बनता था, ये हमारे घर के बहुत ही पास है इसलिए हम लोग आ गए। हम लोग घर आके सुन रहे हैं, अभी जस्ट घर पहुंचे और देख रहे हैं रिकॉर्डिंग जो हम लोगों ने वहाँ प्रेस करी है। किसी के लिए परमात्मा चौक बन जाता है। डैडी जी कुछ बोलते थे परमात्मा ही जैसे। अरे वहां तो वॉक करके जाना पड़ेगा। और हैरिस पार्क, हैरिस पार्क लोगों के लिए हैरिस पार्क हो गया, हैरिस पार्क जाम हो क्या है अभी, जहाँ हम लोग अभी जाकर आए। सुशील मोदी जी खड़े होंगे वहाँ पे ये सोच के। हम वैसे मैंने सुना है हैरिस पार्क में
चटकास की चाट आज तक हम लोगों ने खाई नहीं, क्योंकि वो हमेशा वेटिंग रहती है, 10 to 15 minutes रुकना पड़ता है। जयपुर स्वीट्स की जलेबी उसका तो कोई जवाब ही नहीं। ओहो, जवाब ही नहीं है। आपने कहा वो मान लेते हैं, आप सब पे रिक्वेस्ट है, हमने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लेकर आते, हमेशा घर आके खाते हैं मित्र। अच्छा, हम लोग घर पे ही भाषण दे के काम चला रहे हैं, और आरू को भी कुछ ज्यादा ही पता चल गया मोदी जी के बारे में। मोदी ठीक है, बिकॉज़ अच्छी है वो।